नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2016 में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली थी, उससे रिलेटेड आप सबके क्वेश्चन थे, सर कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, उसमें कितनी वैकेंसीज थी, कितने बच्चे पास हुए, इंटरव्यू के लिए कितने बच्चों को बुलाया गया, दौड़ उसकी कैसे हुई, कितने बच्चे अंतिम परिणाम तक पहुँचे। तो इन सब बातों का हमने एक वीडियो बनाया है जिनमें इन सब बातों का जिक्र किया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2016 में जो फॉर्म निकले थे उसमें पद कितने थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2016 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उन्हें पता होगा कि 664 पद पर वैकेंसी निकली थी। उसमें कुल फॉर्म थे 484,015 फॉर्म फिलअप हुए थे। उसमें पेपर देने के लिए बच्चे गए थे 208,127, क्योंकि इतने फॉर्म भरने के बाद 2 लाख बच्चे ऑलमोस्ट 2 साल में 3 साल में इसका एग्ज़ाम होता है, तब तक बच्चे इधर उधर कई बार सेलेक्ट हो जाते हैं, कई कई एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका एग्ज़ाम 2-3 साल में ही कंडक्ट कराया जाता है। पेपर में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे, तो पेपर में 3,557 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, जिनमें जनरल की जो बच्चे थे वो 1204 थे, ओबीसी के 1897 और एससी के बच्चे जो थे वो 431 और एसटी के बच्चे 44 थे। ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में पास हुए थे, इन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। अब इंटरव्यू के लिए जो बच्चे पहुंचे थे उनमें इंटरव्यू में जो पास किए गए बच्चे वो 2,653 बच्चे थे। तो देखेंगे आपके यहाँ कुछ ज़्यादा फासला नहीं रहा, ऑलमोस्ट सभी बच्चे पेपर जो क्वालिफाई कर चुके थे वो इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर चुके थे। अंतर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सीधे सीधे 2 लाख बच्चे जो ऐसे थे फॉर्म फिलअप किए लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं गए। अब बात करते हैं रनिंग की। तो रनिंग को मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि एरिया है जहाँ आपकी लंबी दौड़ लगाई जा सकती है तो आपको लंबी दौड़ कराएंगे। पिछली बार जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें रनिंग ग्राउंड में कराई गई थी, लेकिन ग्राउंड उन्होंने 2 किलोमीटर का दिया था, तो 2 किलोमीटर के हिसाब से अब 12 चक्कर लगाएंगे, 12 दूनी 24 किलोमीटर होगा, फिर लेस 1 किलोमीटर और लगाएंगे तो आपका 25 किलोमीटर पूरा हो गया। एक साथ ग्रुप में 350 से 400 बच्चे दौड़ा रहे थे और उस ग्रुप में 30 से 40 बच्चे ही क्वालिफाई दौड़ कर पा रहे थे। आप देख रहे होंगे कि इसका फिजिकल कितना टफ है। एग्ज़ाम तो हर कोई जैसे तैसे पास कर लेता है, लेकिन फिजिकल पास करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, इसके लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। टोटल बच्चे जो आप देखेंगे कि 450 से 500 बच्चे ही पास किए थे, क्योंकि वो तो क्वालिफाई कर देते हैं 5 गुना बच्चा फिजिकल के लिए, लेकिन फिजिकल में जो बच्चा पहुंचता है 3500 या 3600 के समथिंग, वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो आप देखेंगे कि 450 या 500 बच्चे लास्ट में जब सब कुछ हो गया उसके बाद 500 बच्चे सिलेक्ट हुए, जबकि 664 पोस्टें थी, तो 150 पोस्ट समथिंग खाली चली गई थी। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए आप अपनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी कीजिए, क्योंकि फिजिकल में बच्चे बहुत निकल जाते हैं जिनसे 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद दौड़ा ही नहीं जाता और बैठ जाते हैं, सोचते हैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे, अब मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए आप 5 से 10 किलोमीटर अभी से रनिंग शुरुआत कर दीजिए, अगर आपको भरोसा है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा। तो दोस्तों, आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही